हेलो। तो क्या हाल है भाई लोग आप सबके? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो यार आज अपना ट्रिप होने वाला है राजभवन नैनीताल का। यार आप जो फ्रेम है चर्च देख रहे हो, ये चर्च सच में बहुत पुराना है। ये चर्च लगभग 300 साल पुराना चर्च है। ये चर्च बनना हुआ था 1704 में और 1755 तक ये चर्च बन के पूरा कंप्लीट हो चुका था। अगर आप लोग कभी भी नैनीताल विजिट करते हैं तो राजभवन के बिल्कुल पास में ही है ये चर्च। आप आना यहाँ पर, देखना, बहुत प्यारा चर्च है यार। इसमें हमें तो कोविड के चक्कर से अंदर जाने की परमिशन नहीं थी और उस समय प्रेयर भी चल रही थी, तो इस चक्कर से हम अंदर जा नहीं पाए। पर बाहर से कुछ वीडियो क्लिप्स बनाई हैं आप लोगों के लिए और एक सिनेमेटिक शॉट भी मैंने चैनल पर अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, आप उस पर जाके देख लीजिएगा। तो यार चर्च घूम के आ गए हैं हम लोग और कंफ्यूज हो अभी जाएंगे यहीं लोग पर यार। एक पीएससी कैंटीन है जहाँ से हमने चाय बिस्किट्स और खाए, मतलब नाश्ता किया है। 12 बजे हमें एंट्री मिलेगी राजभवन में, उसके लिए टिकट कटानी पड़ती है। 50 रुपये एक टिकट का है यहाँ पर चार्ज। तो यार चाय पानी हमने कर लिया है और अभी राजभवन के लिए जा रहे हैं। ये टिकट काउंटर है यहाँ का और हमें यहाँ पर एक प्यारा सा डॉगी भी मिला है जो आराम फरमा रहा है, तो इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं और अपना टिकट कटाते हैं पहले फटाफट से। ठीक है ठीक है। तो ओके यार ओके टिकट कटा लिया है, हेलमेट हमने अंदर रख दिए हैं अपने, ये रहे टिकट, तो इन्हीं के थ्रू हम अंदर जा सकते हैं। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो गया है, 12 बज गए हैं, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं राजभवन देखने। जब तक हमारे गाइड सर हमसे हिस्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए बोल रहे हैं, बट हू केयर्स। ये बिल्डिंग भी जो है ब्रिटिश पीरियड का बना बिल्डिंग है। ब्रिटिश पीरियड में भी राजभवन सुरक्षा के लिए जो पुलिस चौकी वो करते हैं ना गार्ड, इस समय भी राजभवन सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड बनी हुई है। सर आपने देखा कोई मिल गया मूवी, उसमें जो थाना हाँ बनाया ना कोई मिल गया में, इसी में उस सीन शूट किया गया था कोई मिल गया मूवी में। ठीक है सर आइएगा। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा नैनीताल में जो है स्कूल पहले से फेमस रहे ना सर, तो जो ब्रिटिश पीरियड के जो माने जाने के बॉयज स्कूल है, ये सेंट जूजर स्कूल हो गया, सेरू जूजर स्कूल हो गया, जो गर्ल्स कॉलेज है सेंट मैरी हो गया और स्कूल हो गया, ये ब्रिटिश पीरियड के जो है माने जाने स्कूल है जो अभी ओपन है स्कूल का। तो जो अभी गवर्नर हाउस देखने जा रहे हैं ना आप लोग सर, 120 साल पुराना बना बिल्डिंग है सर। बिल्डिंग का यूज तभी होता है जब गवर्नर साहब प्रेजेंट रहते हैं ना, इस समय जो हमारी गवर्नर जो है बेबी रानी मौर्य है जो प्रेजेंट बना उत्तराखंड की, तो गवर्नर बैठते हैं यहाँ मई जून 2 महीने सर समर कैपिटल में, विंटर में बैठते हैं देहरादून में। तो जब ये उत्तर प्रदेश में था उस समय भी समर कैपिटल नैनीताल हुआ करता था, पहले विंटर लखनऊ हुआ करता ना उत्तर प्रदेश में। तो जो ये बिल्डिंग बनाई गई गवर्नर हाउस 1897 में स्टार्ट हुआ बनना और 1899 में कंप्लीट की गई 2 ईयर्स में बिल्डिंग सर, जो लंदन में ना रानी विक्टोरिया का महल बैकिंग पैलेस बिल्डिंग उसी की टू कॉपी आधार बिल्डिंग बनाई गई जो देखे जा रहे हैं ना आप लोग। तो जब ये उत्तर प्रदेश था उस समय ओपन दिखाई बिजनेस के लिए गवर्नर हाउस, 2000 से स्टेट अलग हुआ ना उत्तराखंड बना, उत्तराखंड के जो फर्स्ट गवर्नर थे सुरजीत सिंह बरनाला जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे ना सर, इसी के द्वारा ओपन हुआ ये बिजनेस के लिए गवर्नर हाउस। तो एक ओनली यही गवर्नर हाउस है जहाँ परमिशन है और गवर्नर हाउस में कहीं परमिशन भी नहीं है सर। तो जब ये बनारस साहब द्वारा ओपन हुआ ना पहले पूरा बिल्डिंग दिखाते थे आप लोगों को मैडम, 2007 में कुछ लोगों ने तोड़ फोड़ कर दिया था ना बिल्डिंग के अंदर, तो 2007 में जो ये आराम से 2007 में फिर ये बंद हो गया था। उसके बाद खुला ये 2014 में डॉक्टर अजीत कुरैशी सर द्वारा जो 5वें गवर्नर थे उत्तराखंड के। तो अब मेन इंटरेस्ट खुला गया उतना आप लोग को दिखाया जाएगा। बिल्डिंग के अंदर जो है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बाहर आप लोग ले सकते हैं ठीक है मैडम, आधे घंटे का टाइम होता है। और फॉरेस्ट एरियाज का 220 एकड़ में जो फॉरेस्ट एरिया राजभवन का ना 220 एकड़ का है मैडम। ये जो सामने स्टेट गेट देख रहे हैं ये आपके देवदार के पेड़, इनका यूज़ पहले रेलवे में किया जाता था स्लीपर बनाने में, इनके पटरियों में लकड़ी के डाल जाते थे पहले, इसी लकड़ी के डाले जाते थे देवदार की। तो इस समय जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं आप लोग ना तो सीमेंट का यूज़ होता है इस समय मसाले में, पहले यूज़ होता था उड़द की दाल हो गई, चूना हो गया, मिट्टी हो गई, गुड़ हो गया और सुर्खी हो गई, इसका मिक्सचर बना के एक लेप तैयार किया जाता था जो मसाले में यूज़ किया जाता मैडम। तो जो बिल्डिंग देख रहे हैं ब्रिटिश पीरियड की आप लोग, इसी चीज़ से यूज मतलब उसमें सीमेंट नहीं होता था। हम देखने जा रहे हैं ये हो गया जितने ब्रिटिश पीरियड का बनाया अच्छा। जो बनता था पहले सीमेंट नहीं होता था ना मैडम अच्छा। ये आपका जो ग्राउंड देख रही है मिनी गोल्फ ब्रिटिश गोल्फ कोर्स मैडम अच्छा। जो बड़ा वाला इससे मतलब क्लोज कर रखा कोविड 19 की वजह से, वो आपका फॉरेस्ट में है, वो है 45 एकड़ में 18 होल्स का, उसमें मई में होते हैं गवर्नर्स कप ऑल इंडिया टूर्नामेंट जो कोई मिल गया मैं स्पेस ही बता रहा था ना मैडम, उसी गोल्फ कोर्स का सीन है वो जो कोई मिल गया मूवी का। और जो अभी गवर्नर हाउस देखने जा रहे हैं आप लोग, इससे पहले बना आपका सेरूड स्कूल, सेरूड बना आपका 1869 का,
जहाँ अमिताभ बच्चन होगी, जनरल मानिकशॉ होगी, इनने पढ़ाई किया सेरूड स्कूल में मैडम, और नैनीताल वैसे भी पहले से स्कूल्स के नाम से ही जाना जाता ना मैडम। आप लोग किधर से मैम? दिल्ली। पहले खटे गवर्नर वही थे के पॉल सर, आईपीएस ऑफिसर तो जो कमिश्नर ना, खटे गवर्नर वही थे। आप लोग दो महीने ऑप्शन वर्किंग की, ये लंच किचन होगी। जब गवर्नर्स आएंगे ना तभी आपका फोन आएगी। हाँ, जब गवर्नर्स रहेंगे ना मैम उस समय भी खुला रहता है आपके लिए। अच्छा। उतना इंटरेस्ट जितना इस समय देखेंगे आप उस समय फर्क ये होगा। जैसे भी आप बाहर फोटोग्राफी कर सकते हैं, उस समय बाहर भी अलाउ नहीं होती फोटोग्राफ्स। मोबाइल स्विच बंद होंगे, चेक इन मशीन चाहेंगे। अच्छा। हमारे साथ भी एक कोर्स चलता है ये गाइडिंग में ना हमारे साथ, तब विजिटिंग ओपन होती है। वो देखिए मैडम वो है थ्री फ्रंट ऑफ, सामने दिख रहा है व्यू। यहाँ जाएंगे हॉर्स राइडिंग से आप, जब ये उत्तर प्रदेश में ओपन ही था ना विजिटर्स के लिए गवर्नर हाउस, उसी व्यू पॉइंट से ये चीज दिखाई जाती थी आपको पहले गवर्नर हाउस। ठीक है मैडम। इसी के डाउन में पड़ता है, जस्ट डाउन में सेरूड स्कूल, जहाँ अमिताभ बच्चन जनरल मानिक ने पढ़ाई किया, और जो इसका हिस्ट्रिकल नेम है दौरती सीट, ये लेडीज थी ब्रिटिश दौरती नाम की ना, यहाँ से पेंटिंग बनाती थी तब से। इसका दौरती सीट नाम जो हिस्ट्रिकल नेम है वैसे टिफन टॉप से जानते इसको, जैसे फोनर आता है ना आप टिफन टॉप करोगे तो नहीं समझेंगे, दौरती सीट बोलो एकदम वो हिस्ट्री में है ना। हाँ आइए। उसी के थ्रू किचन भी चलेगा, जैसे आप नहीं तो कोई नहीं हुई, आप ही लोग के लिए खोला गया, जब कोई आएगा तभी किचन काम सब आ जाएगा। ड्रम बनाए जाते हैं इसमें वाइन स्टोर किया जाता है, जो रेड कलर जो आता है इससे जाता है ओक से। और जैसे जो आप स्रोत के पानी निकलते हैं, जैसे आप हनुमानगढ़ी टेम्पल गए भी नहीं गए, जो रास्ते में शेर का मुंह बना पानी आता है ना पहाड़ों से, इसी की जड़ों में साथ ये कलेक्ट करता है अपना पानी। जहाँ ओक ट्री अधिक मात्रा में होंगे सिल्वर ओक, वहाँ आपको पानी की कमी नहीं मिलेगी। ठीक है मैम। हिल स्टेशन में ज़्यादा होंगे। ये कौन सा पेड़ कहलाता है? सिल्वर ओक, वैसे बांज बोलते हैं इसको हिंदी में। आप वहाँ जाएंगे लंच रोनसा के पड़ता है, एक वहाँ भी है थ्री ब्रांचेस में। ठीक है मैडम। ये देखिएगा सर, ये आपका फ्रंट व्यू जो बेंजम पैलेस है ना, वो बनाया पूरा व्हाइट पत्थर का सर, ये बना हुआ है लोकल स्टोन का। टोटल टू फ्लोर बिल्डिंग है, टोटल इसमें 113 रूम है, 113 रूम्स। जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बना है उसमें है 365 रूम दिल्ली में। यहाँ स्टे करते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दूसरे स्टेट के गवर्नर्स, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओनली, सीएम, मंत्री, एमएलए रुकते हैं नैनीताल क्लब, यहाँ स्टे नहीं करते सर। इसमें 1000 वर्कर्स लगे थे बनाने में, 2 ईयर्स में कम्प्लीट किया ना बिल्डिंग सर। जो कैपिटल लेटर ई होता है, ई आपके तरह बना हुआ हाइट्स उसको देखेंगे आप, और जो इसके आर्किटेक्ट थे एस डब्ल्यू स्टीवन, जो मुंबई सीएसटी है ना आपका, सेम आर्किटेक्ट है इसको उसके। ठीक है, जिन्हें डिजाइन करा के जैसे इसमें बर्मा टीक का वुडन वर्क है, जैसे आप शिमला गए होंगे जहाँ समझौता हुआ था वो भी है ना, इसका थोड़ी लुक अलग है, उसमें अखरोट की लकड़ी का काम है, उस शिमला वाला है। हाँ आइए।
रीजन बहुत होते हैं जैसे बरसात में कीचड़ नहीं जाती अंदर, इसमें ग्रास नहीं उगती है, इसमें आग एकदम फैलती नहीं है, मेन रीजन सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इसलिए स्टोन लगाए जाते हैं। चले तो आ जाएंगे, हाँ ये विदाउट सोच भी चलेंगे फिर भी आहट आएगी। अब एक चीज़ हो ना, मैं जैसे मैंने बताया अंदर फोटो अलाउड नहीं है, उसके बाद बाहर पूरा फोटो लीजिएगा, ठीक है, बजरी वाली पोर्शन में, ये लॉन में नहीं जाना है, जो ग्रीन लॉन है ना, बाकी बाहर पूरा फोटो ले सकते हैं, ठीक है सर। आइए तो यार हम लोग अंदर से गवर्नर हाउस फाइनली देख के आ चुके हैं, खाली हमें लॉबी में ले जाया गया, उससे अंदर कहीं नहीं ले जाया गया, इतना बड़ा राजभवन है, बस खाली लॉबी में ले जाया गया। बहुत सारी एंटीक चीज़ें हैं, बहुत सारी रेयर चीज़ें हैं अंदर, जैसे कि हाथी के दांत हैं, सुल्ताना डाकू के पास से बरामद सारे हथियार हैं अंदर, बहुत सारे लोगों के मेडल हैं, मतलब जो आर्मी ऑफिसर्स थे उनके मेडल्स हैं वहाँ पर, बहुत रेयर वर्क है, मतलब बहुत चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और बहुत सेटिस्फाइंग है अंदर से, बहुत ज़्यादा लग्जरी है, लाइक अभी की लग्जरी बिल्डिंग से तो बहुत सही है यार ये। यार मस्ट विजिट प्लेस, मैं रिकमेंड करता हूँ इसे नैनीताल के अंदर, क्योंकि जितना अच्छा है बाहर से दिखने में है, जितना ह्यूज बाहर से दिखने में है, उतना ही ज़्यादा रेयर, उतना ही ज़्यादा एंटीक और उतना ही ज़्यादा लग्जरियस है अंदर से भी है, तो मस्ट विजिट प्लेस है यार। और गाइस राजभवन की एक और चीज़, मतलब यहाँ पर जितने भी गवर्नर्स आते हैं अच्छा तो वो यहाँ पर ट्रीज लगा के जाते हैं, जैसे आनंदीबेन पटेल ने ये देवदार का ट्री यहाँ पर लगा रखा है, और देख सकते हैं आप, मतलब जितने भी गवर्नर्स ने यहाँ पर जो भी ट्रीज लगा रखे हैं तो उनके नीचे उनका नाम भी मेंशन किया गया है, वो सारा यहाँ पर है। तो यार ये मेरे अकॉर्डिंगली बहुत सही इनिशिएटिव है जो ले रखा है सरकार ने, या स्पेशली कहूँ कि नैनीताल की जो भी मतलब अथॉरिटीज़ हैं उनने, कि जो भी गवर्नर्स यहाँ पर आएंगे वो एक एक ट्री प्लांट करेंगे, बहुत सही मेरे हिसाब से स्टेप है। और हम लोगों को भी ये अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए कि यार हम एटलीस्ट एक ना एक पेड़ लगाएं अपनी लाइफ में, आप लोग भी ट्राई करिए, क्योंकि यार देखो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके हमें या हमारी जनरेशन को काम आएगा, क्योंकि देखो यार लोग बढ़ते जा रहे हैं, घर बनते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनते जा रही हैं, पॉल्यूशन होते जा रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम होते जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी एक थीम भी है, वो लोग पीछे से एक सिलेंडर सा लेके घूमते हैं वाटर बॉटल में, और अवेयर करते हैं हम लोगों को कि अगर ऑक्सीजन अभी नहीं बचाई गई तो लाइफ में हमारा ऐसा हाल होगा कि हमें पर्सनल एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा अपने साथ में, और ये ट्रूथ भी है। तो यार ज़्यादा यहाँ पर ज्ञान नहीं देते हैं, और अपना रिव्यू दूंगा मैं राजभवन के रिगार्डिंग, बहुत सही चीज़ है, बहुत मैं आपको मस्ट विजिट प्लेस रिकमेंड करता हूँ, पहले भी बता दिया है मैंने, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, 120 साल पहले का आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे जैसे मैं हुआ था। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच यार, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी आपको वीडियो, अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सबके साथ कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पर नए हो तो। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।